देख सकते हो गाइस, बहुत ही प्यारी है और आप इसका प्राइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइस, आज का जो वीडियो है वो है, अभी रिसेंटली भी आपने देखा था मैं सरोजनी नगर गई थी, तो वहां से थोड़ी बहुत परचेजिंग करके लाई हूँ जो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप सरोजनी नगर जाते हो तो जो मैंने शॉप को एक्सप्लोर किया था तो आप वहां पर भी जाके जरूर देखिए, एक बार बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉप है वहां पर। और सरोजनी नगर में आ गई है समर कलेक्शन, बट मैंने थोड़ा जो मुझे विंटर का पसंद आया था वो मैंने परचेज किया था, जो कि थोड़ा सस्ता मिल रहा था तो मैंने उसे ग्रैब कर लिया और बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। तो गाइस, बहुत ही सस्ता कहेंगे तो सरोजनी नगर बहुत ही ज्यादा सस्ता है और बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं वहां पर। इवनली मेकअप के प्रोडक्ट्स आपसे मैं कहूंगी कि वहां से मत परचेज कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। मिलते हैं बट डुप्लीकेट मिलते हैं, जो ओरिजिनल मिलते हैं वो आपको 100-200 रुपए में मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ज्वेलरी जो मैंने थोड़ी सी ही ग्रैब की है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि ये बाल कैसे लग रहे हैं मेरे ऊपर तो जैसे भी लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना, ठीक है, क्योंकि मैंने मतलब कितने साल हो गए हैं, बड़ी हो गई छोटी से, वो बाल कर ली देखते देखते, तो ये वाले बाल जो मैंने करवाए हैं मेरा बहुत ही ज्यादा मन था तो मैंने करवा लिए हैं। तो ये फर्स्ट मैंने जो परचेज किया है आप देख सकते हैं, ये है ज्वेलरी पीस जो कि बहुत ही प्यारा है, चेन के साथ है और इसका जो पेंडेंट है आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। सी, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे ऑक्सीडाइज, तो मैं आपको वेयर करके भी दिखा देती हूँ इसे, ओके। तो ये यहाँ तक आने वाला है और देख सकते हो आप बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पहनने के बाद आपको कैरी कर सकते हो ऊपर, तो बहुत ही। और गाइस, ये सिंपल कुर्ती होती है उन पर भी बहुत ही प्यारा लगता है। और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो गाइस, बहुत ही प्यारी है और आप इसका प्राइस सुन के तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हो कि इतने प्राइस में वहां पर इतनी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो गाइस, ये है ओनली 25 रुपीज का। तो गाइस, आप देख सकते हो ओनली 25 रुपीज में इतना प्यारा पेंडेंट है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे कहीं भी जाती हूँ तो इसे जरूर वेयर करती हूँ और नेक्स्ट टाइम गई और वहां पर जरूर मुझे ऐसे मिले तो मैं उन्हें फटाफट से ग्रैब कर लूंगी। और आप देख सकते हो, अगर आप जाते हो सरोजनी नगर तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें जल्दी से ग्रैब कर दीजिए, बहुत ही प्यारे होते हैं। सेकेंड मैंने उसी शॉप से, आप देखेंगे एंटर करेंगे गेट नंबर 3 से, तो वहां पर अम्मा सी एक बैठी रहती है, तो उनके पास होते हैं 25 रुपीज के 1 में या फिर 100 के 5 में, ऐसा कुछ होता है। तो उन्हीं से मैंने ये 2 पीस लिए हैं और एक लिए हैं ये इयर रिंग्स। सी, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा मेरे नेल पेंट में मैच हो रहा है बिल्कुल शेड। सी, तो फ्रोकलाइज ये मुझे मिले थे 20 रुपीज के, आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। सी, थोड़ा थोड़ा मोतियों का यहाँ पर काम है और बहुत ही प्यारे सैटन के ये धागे हैं, उनसे काम हो रहा है, सुंदर है। तो आप देख सकते हो इस तरीके की, एक बार और दिखा देते हो आपको। उनके पास बहुत सारे शेड थे, पिंक थे, पर्पल थे, बहुत सारे शेड थे, आप कोई भी चाहे तो उनसे परचेज कर सकते हैं, बट परचेज जरूर करना क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और नेक्स्ट मैंने लिए थे एंटिक ज्वेलरी, आई मीन एलिफेंट और गणेश जी और शिवाय, बहुत सारी ज्वेलरीज चलती है, तो मैंने ये एलिफेंट वाले लिए थे। आप देख सकते हो कितने प्यारे एलिफेंट बने हैं इसमें। सी, तो बहुत ही प्यारे लगेंगे पहनकर, तो मैं इन्हें पहनकर ही दिखा देती हूँ आपको। और ये मैंने लिए थे 50 रुपीज के, तो वहां पर बहुत सारे भैयाओं के जो स्टॉल से लगे होते हैं उन्हीं से मैंने लिए थे 50 रुपीज के, तो बहुत ही अच्छे लगे। और भी बहुत सारे थे बट मैंने यही वाले पसंद किया, मेरी बेटी ने पसंद किया एक्चुअली में ये वाले, तो उसको अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा चल ये वाले ले लेते हैं। उसे भी आई मेकअप का शौक चढ़ गया, वो वीडियो बनाती है आई मेकअप के इसलिए, बट अभी मैं उसे ज्यादा बनाने नहीं देती क्योंकि 10th के एग्जाम है इसीलिए,
तो आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। ऑक्सीडाइज तो वैसे भी हर ड्रेस पर अच्छा लगता है, आप कॉटन की कुर्ती ले लीजिए, एक टॉप ले लीजिए या एथनिक वेस्टर्न, जैसा मर्जी ड्रेस आप पढ़ लीजिए और उस पर ये डाल लीजिए तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। कुछ मैंने लिए थे होम डेकोर के प्रोडक्ट्स जो कि मेरी वीडियोज में भी काम आ सकते हैं और मेरे घर में भी अच्छे लगेंगे लगे हुए। तो ये लिया है मैंने एस एनिशियल का, बहुत ही प्यारा, इस पे स्पार्कली मूर्ति लगे हुए हैं, बट ये वुडन का है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से है आपको सी, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका टांगने का हैंडल भी, अगर चाहे तो आप ऐसे करके इसे टांग भी सकते हैं, यहाँ पर दीवार पर हैंग भी कर सकते हैं। और बड़ा ही प्यारा लग रहा है गाइज, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसके फ्रोजी कलर सब कुछ फ्रोजी आ गया है, मेरे इयर रिंग्स, नेल पेंट और ये एस भी, तो आप देख सकते हो इस तरीके का है, बहुत ही प्यारा। मैंने अपने बैकग्राउंड में ये लगाने के लिए इसे लिया है एस सी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये ओनली 100 रुपीज का, तो आप कोई भी इनिशियल कोई भी डेकोरेटेड पीस ले लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा क्लिप डाल दिया है उसका, तो यहाँ पर सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो 100 रुपीज में थे और बहुत ही अच्छा सामान था उनके पास। और एक मैंने लिया था ये, आप देख सकते हैं इसको, स्टोर का डेकोरेशन पीस कहेंगे, बहुत ही अच्छा है ये, आप देख सकते हो 9 इसमें बॉक्सेस है सी, तो इस तरीके के बॉक्सेस हैं, ये इस तरीके से खुलते हैं, तो आप इसमें कुछ भी अपना सामान जो है वो रख सकते हो एक तरफ, तो इसमें कुछ भी अपना सामान जो है वो एक तरफ रख सकते हो, बहुत ही प्यारा है, मैंने तो स्टोर भी कर लिया आप देख सकते हो इसीलिए। तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा था, और ये भी 100 रुपीज का है गाइस, 100 रुपीज में बहुत ही अच्छी क्वालिटी भी है, कोई भी वो अंकल जी कहते ले जाओ मैं दे रहा हूँ 100 रुपीज में, बहुत ही अच्छा था आप देख सकते हो, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी और बिल्कुल फिनिशिंग है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है, आप देख सकते हो 100 रुपीज में बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फ्रेश पीस मिला है मुझे। और मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं एक जो ज्वेलरी बॉक्स है वो छोड़ के आ गई हूँ, तो नेक्स्ट टाइम कभी गई और मिल गया तो मैं जरूर उसे ग्रैब कर लूंगी। तो आप देख सकते हो ये भी बहुत अच्छा है और 100 रुपीज का है। और अगेन आ जाते हैं हम क्लोथिंग पे, जो कि मैंने थोड़ा बहुत क्लोथिंग लिया है वहां से, तो आप देख सकते हो ये बहुत ही प्यारा पीस है, बहुत ही प्यारा, तो बहुत ही प्यारा है, और इसे हाफ क्या कहें मुझे कुछ पता नहीं है इसे, तो मैंने ले लिया। आप देख सकते हो अगर आप कोई भी स्कर्टी या फिर टॉप पहन रहे हो यहाँ पर कट स्लीव्स का, तो इसे वेयर कर सकते हो, ये गर्मी में भी पहन सकते हो और सर्दी में भी पहन सकते हो, ज्यादा गर्मी में नहीं पहन सकते हो क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ऊन का जैसा है, तो अभी की जैसे ठंड है, अभी का जैसे मौसम है उसमें आप रात में वेयर कर सकते हो क्योंकि रात में थोड़ी सी ठंड हो जाती है, तो इसीलिए आप अगर पार्टी वार्टी में जाते हो तो इसे वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा है। इसका प्राइस सुनकर तो आप शॉक ही हो जाने वाले हो, ये ओनली 25 रुपीज का है, ओनली 25 रुपीज का, बहुत ही प्यारा पीस है और फ्रेश पीस है, एकदम फ्रेश पीस मिल गया था मुझे बिल्कुल, और इतना सॉफ्ट है ना, बहुत ही ज्यादा। और मैंने लिया था एक स्टॉल जेब, ये भी जो विंटर्स का ही है, बट गाइज इतना ज्यादा लाइट वेट है कि आप इन्हें इसे आप स्टॉल के जैसे, मतलब जो दुपट्टे के जैसे, अगर कभी आपको दुपट्टा चाहिए तो भी आप डाल सकते हो, इसे बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। तो एक ये मैंने ली है रैप्रॉन स्कर्ट, जिसकी मुझे हॉल करने पड़ते हैं तो उसके नीचे स्कर्ट वगैरह कुछ चाहिए होती है इस टाइप की, तो काफी घेर है इसका, मैं आपको दिख नहीं रही हूँगी इस टाइम, ठीक है, तो काफी घेर है इसका, तो बहुत ही अच्छी है, और पहनने पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि कैसी लग रही है। तो ये भी मुझे मिली है 100 रुपीज में, 100 रुपीज में है, और यहाँ से इसको ऐसे स्टक करना पड़ता है, सही यहाँ पर इसके ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, तो बहुत ही अच्छी है, कॉटन की है और 100 रुपीज में ली है मैंने। अब आते हैं जींस पर, तो आप देख सकते हो मैंने जींस पहनना बहुत दिन से छोड़ दी थी, बहुत दिन से, मतलब शादी के बाद मैंने जींस पहनी ही नहीं है। वाली जो जींस है
ये वाली जो जीन्स है बहुत ही प्यारी फिटिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने साइड में लगा दिया है। तो मैंने जीन्स पहना बहुत ही पहले छोड़ दिया था, बट मेरे हस्बैंड बोले कि आप लेकर आओ पहनो, अच्छा लगता है घर में भी, और अगर कहीं बाहर जाते हो तो भी ये पहन सकते हो। और ये जीन्स को क्या कहेंगे, डेनम प्लस बहुत ही प्यारा, मतलब मटेरियल जो है इसका हार्ड नहीं है, जैसे कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है जीन्स। मैं इसी मजे नहीं पहनती थी क्योंकि मुझे हार्ड ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए, बट ये सॉफ्ट है, हमने कहा था बहुत ही अच्छी है, आप एक बार ले जाके देखिए, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो मैंने ये ले ली और ये मुझे मिली है आई थिंक 150 रुपीस की। एक जीन्स मैं ये वाली लाई थी, तो ये स्ट्रेचेबल जीन्स है, आप देख सकते हो ये स्ट्रेचेबल है, बट वो जो अभी मैंने दिखाई आपको वो स्ट्रेचेबल नहीं है, तो बट उसकी फिटिंग जो है बहुत ही प्यारी है और उसकी भी फिटिंग बहुत ही अच्छी है, तो ये स्ट्रेचेबल है। तो यहाँ पर आप साइड में देख ही रहोगे कि ये कैसी है, तो बहुत ही सुंदर जीन्स है। और ये मुझे मिला है 150 रुपीज का, 150 रुपीज का फिर भी सस्ता मिल गया यार, 150 रुपीज की है ये वाली जीन्स। और मैं थोड़ा कंफ्यूजन में थी कि अगर मैं जीन्स लेती हूँ तो मैं कैसे साइज नापूंगी, तो उन्होंने ये बोला, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कभी भी जीन्स लेने जाते हो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि कैसे लें, हमारा टमी है इसीलिए, तो उन भैया ने जो मुझे बताया था कि आप ऐसे कैसे करके नापिए, अगर आपके जीन्स आ जाती है तो आपके टमी पर भी आ जाएगी। तो ये वाला जो आइडिया है उन्होंने मुझे दिया थोड़ा सा, कैसे आपको साइज नापना है। तो ये वाली जीन्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आप देख सकते हो। एक मैंने ये लिया है वहां से क्लास कप का सेट, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये मैंने वहां से परचेज किया है 200 रुपीस में। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे हैं, इसमें चाय पीना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ट्रांसपेरेंट। तो मेरे पास पहले भी था एक, बट उसका एक एक करके सारा का सारा सेट जो है वो बेकार हो गया था, तो मैंने फिर से ये परचेज किया है। और ये मैंने लिया है सरोजनी नगर से 200 रुपीस का, और भी बहुत सारे पैटर्न थे वहाँ पर। तो गाइस एक आप देख सकते हैं मैंने ये लिया है स्टिक जिसपे लीव्स हैं बहुत सारी, तो गाइज ये इतनी ज़्यादा एडजस्टेबल है कि आप इसे कहीं भी लगा सकते हो, आप देख सकते हो। और ये मुझे मिली है सरोजनी नगर से ओनली 500 रुपीज़ की, बट उन्होंने 700 रुपीज़ बताए थे। आप अगर यूट्यूबर हो और आपको बेस्ट एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड चाहिए तो आप इस पे जा सकते हो। और तो आप देख सकते हो ये पूरी तरह एडजस्टेबल है, आप चाहें तो इसे कितना भी बड़ा कर सकते हो, कितना भी छोटा कर सकते हो। आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि ये कैसा एडजस्टेबल हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसे बंद कर दोगे तो कहीं भी आप ले जा सकते हो इसे, और कुछ ये इस टाइप की हो जाएगी। तो गाइज आप देख सकते हो एक मैंने ली थी ये फ्लावर की बेल, जो कि येलो कलर की है, पिंक कलर की मेरे पास ऑलरेडी थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप देख सकते हो ये मैंने ली थी 50 रुपीज़ में। और गाइज आपके पास कोई भी कॉर्नर हो अच्छा सा तो ऐसे आप डेकोरेट कर सकते हो जैसे मैंने किया है। और आपको ये शॉपिंग कैसी लगी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, ज्यादा नहीं करी क्योंकि समर कलेक्शन जो अभी मतलब ऐसे ही था, आया भी था और नहीं भी। अगर कोई भी बोले कि समर कलेक्शन उस दिन आ गया था तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जो शॉपर्स है उनपे आ गया था, जो ऐसा सामान लाते हैं उनपे समर कलेक्शन इतना नहीं आया था। अगर मैं नेक्स्ट टाइम गई और समर कलेक्शन आया तो मैं जरूर परचेज करके लाऊंगी। और वो वाली वीडियो देखने के लिए तो आपको करना पड़ेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो करना पड़ेगा लाइक और शेयर। अगर मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, और अगर मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी 15,000 सब्सक्राइबर करा दीजिएगा। इस वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और 15,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लकीली रैंडमली कोई भी सब्सक्राइबर मैं ले लूंगी, उसको एक गिफ्ट है जो कि ये नथ है, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही प्यारी नथ है। तो ये मीशो से मैंने परचेज की थी, आपको परचेज करना है तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।